ग्लोबल को होमवर्क नबनाएको कुनै बार हुँदैन साथी हो साथी हो अझै ताली बजाउन नभए त यो कार्यक्रम यादगार हुँदैन ओए क्या मिलाइदिरार आमा खतरा हो नि त तिमीलाई एउटा कुरा भनौं भन न भन इन्स्टाग्राम चलाए फेसबुक बिर्सिए वाह वाह इन्स्टाग्राम चलाए फेसबुक बिर्सिए सही हो गर्मी आयो स्वेटर बिर्सिए यो केटीलाई बिना मेकअप मैले ब्याक स्टेजमा देख्दा त मा कसम म त दिउँसै तर्सिए यो केटा हेर्न म कस्तो सानो फुच्चे जस्तो छ कुरा छ किन यति ठुल्ठुलो गर्न खोजा तिमीलाई थाहा छैन जस्तो छ के मुसा जतिसुकै सानो भए नि बोरामा पाल चाहिँ पार्छ के भन्न खोजेको त्यस्तो तिमीले मैले के भन्नु नि मैले यति भन्न खोजेँ कि हाइट डजन्ट म्याटर्स तिमीलाई मेसी थाहा छ मेसी को यो मेसी पेसी ल बार्सिलोनाको स्ट्राइकर के बार्सिलोनाको स्ट्राइकर थाहा छैन मलाई सचिन तेन्दुलकर त थाहा होला नि ल यो त झन् नसुनेको नाम गॉड अफ क्रिकेट ल यार यस्तो हाइट सानो पनि कस्तो राम्रो खेल्नुहुन्छ उहाँहरूले मैले त्यही भन्न खोजे हो कि त्यति मात्र म नि बुझ्छु तिमी धेरै बाठो छौ कुरा त राम्ररी मिलाउन जानेकै रहेछौ ल यार तिमीले चाहिँ के बुझा थियौ है होइन क्या मैले त्यस्तो केही बुझाएँ होइन बरु अब हाम्रो अडियन्सलाई एउटा खतरनाक डान्स सिकाइदिउँ न त ल खतरनाक डान्स सिकाइदिउँ न खतरनाक सो लेट्स वेलकम सेलेस्मा आचार्य एन्ड हर फ्रेन्ड्स टु डान्स अन द सङ टु डान्स सङ दिल का दरिया बेही गया जोरदार तालीले वारलाई स्वागत गरौँ ओए अविरल तिमीले के भन्या त्यस्तो के हैन यार तिमीले धेरै बुझ्यौ के मैले धेरै केही बुझाएँ हैन है अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी केटिया विच है क्या कुड़ी कह रही थी मैंने प्यार कर दिया मैं कह रहा मेरे लिए वो सब कुछ है ये बताओ थोड़ा मेरे नाल हाउ ब्लडी सर्जन कोई रोड साइड रूम या नहीं है मैं पांच बार करा रहे उसकी शादी मैं रोज आके खड़ा रहूंगा यहाँ पे प्रीति जस्ट कम एंड स्टैंड नेक्स्ट टू मी दैट्स इट प्रीति दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम कभी मेरी राहें तेरे तक है तुझ पे ही तो मेरा हक है इश्क मेरा तू बेशक है तुझ पे ही तो मेरा हक है तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा सब कुछ खोके तुझको ही पाऊंगा दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन Oh yeah.
वही रुक साले में यार। See that girl standing over there? I really love her, man. We live in a physical growing world. और बड़े होके मैंने एक ही चीज सीखी कि अगर हमको कभी भी कुछ होता है ना, there's always one person who's most affected, and for me that's that girl.